मेरे दोनों बच्चे छोटा और बड़ा विदिन, छोटा वाला तो 1 साल से है, बड़ा वाला 2 साल से वहां सीएलसी में है। मैं सीएलसी का इतना शुक्रगुजार हूं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैंने ये कोरोना काल में जो देखा, ऑनलाइन क्लासेस जब सब जगह चल रही थी, लेकिन सीएलसी का कैंपस बच्चों के डाउट के लिए हमेशा तैयार था, एक एक बच्चे बुला के, क्योंकि ऑनलाइन में जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, घर बैठा है, इन्होंने हमेशा सुविधा दी है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि अगर हमारे कैंपस में कोरोना की गाइडलाइन के साथ बच्चे एक एक दो दो बच्चे डाउट के लिए आ सकते हैं। और उस टाइम ज़्यादातर इंस्टीट्यूट के बच्चे घर पर लैपटॉप पे, इसमें क्या होता है, जो टैलेंटेड बच्चा होता है वो अपने आप कवर कर लेता है, टैलेंटेड वाले बच्चे को सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन सीएलसी ने जिसका टैलेंट कम है उसको भी ऊपर उठाया है मार्गदर्शन करके। संस्कार की बात सीएलसी में, शिक्षा के साथ संस्कृति और संस्कार, अभी एक प्रोग्राम किया था प्रकाश जी माली, ये एक संस्कार ही है कि अपन मंच पे प्रोग्राम किस बंदे से करवा रहे हैं, किसी नेता से करवा रहे हैं, किसी अभिनेता से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं। प्रकाश जी मालिक ने जो अच्छे भजन गाए मैंने लाइव देखा था, वहां से मैं जा नहीं पाया था, मेरे पास इन्विटेशन था लेकिन मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैंने पूरा प्रोग्राम लाइव देखा था वहां पे। और बॉस का जो बच्चों के साथ, मैं कई बार सीएलसी के अंदर कैंपस में गया, मैंने बॉस को कभी अपने डायरेक्ट रूम में चेयर पे बैठते हुए नहीं देखा है, बच्चों के बीच में देखा है बॉस को मैंने, ये सबसे बड़ी बात है। और इनसे मैंने मेरी संस्था के लिए कई चीजें देखी हैं और कई चीज मैंने मेरे अंदर गहन की है और उससे मुझे बहुत सफलता मिली है, क्योंकि बच्चों से जितना अटैचमेंट बॉस का है, 800 से ऊपर टीम है इनके पास, इतने बंदे काम करते हैं, लेकिन एक एक बच्चा एक एक गार्जियन इनकी नजर में, ये सबसे बड़ी बात है सीएलसी के लिए। जब मालिक का अटैचमेंट बच्चे से, एक एक बच्चे का अगर ध्यान है तो वहां सफलता 1001% बनेगी। और इन्होंने हर बच्चे को नींव से निर्माण तक किया है पूरे राजस्थान के अंदर, राजस्थान नहीं हरियाणा के आसपास क्षेत्र के सारे बच्चे सीएलसी में देखे हैं। आज बहुत अच्छी सफलता है और मैं भगवान माँ शारदे से विनती करता हूँ कि सीएलसी राजस्थान में उच्च शिखर पर जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।